चाचू अब तक आप तैयार नहीं हुए। क्या तुम्हें सुबह सुबह कहीं जाना है? ओह नो, फिर से भूल गए। आप ही ने नहीं कहा था कि आज हम 3D मूवी छोटा जादूगर देखने जाएंगे? ओह हाँ, I'm so sorry, मैं वाकई में भूल गया। हम जाएंगे। हाँ आप अभी पढ़ रहे? जाइए जाके तैयार हो जाइए। पापा लेट मी रीड, थोड़ा सा ही बचा है। नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है, फाड़ दिया ना तुमने पेपर? आपने तो गिरा दिया। जब देखो बस लड़की। अरे मानसी कहाँ? ये देखो। वाओ ये तो फेमस होगी आपसे भी ज्यादा। अरे करो ना, तुम भी आओ ना हमारे साथ खाना खाने। थैंक्स, मगर मैं अपना लंच बाहर ही करती हूँ। और हाँ, तुम लोग अपना लंच 15 मिनट के अंदर खत्म करो। एंड प्लीज डू नॉट ट्रांसलेट दिस लंच आवर इनटू अ गॉसिप आवर, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारा क्लाइंट इसलिए वेट करता रहे क्योंकि तुम्हारा लंच आवर खत्म नहीं हुआ है। ये करुणा मैम को आज हो क्या गया है? हाँ पति से लड़कर आई होंगी। नहीं आज बात कुछ और है। करुणा एक बहुत सुलझी हुई औरत है, नॉर्मली वो ऐसे किसी से बात नहीं करती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही अंदर आई मुझ पर ऐसे बरस पड़ी कि मुझे समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। देर से आई होगी तुम। देर से? अरे 5 मिनट लेट हो गई थी मैं, और कल तो तुम आधा घंटा लेट आई थी ना, तब तो कुछ नहीं बोली थी वो तुमसे। और ऐसे भी नहीं था कि मेरा कोई क्लाइंट वेट कर रहा हो, मेरा आज का पहला अपॉइंटमेंट 11 बजे का था। छोड़ ना यार, महीने की पहली तारीख को चेक देते हैं ना, एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे, बस अपने चेक और अपने टिप से मतलब रख। भाई फटाफट फोन उठाओ, करुणा मैडम ही होंगी, उन्होंने ये चेक करने के लिए फोन किया होगा कि हमने अभी तक खाना खत्म किया कि नहीं। हाँ। बजने दे फिर, अभी तो हम राइट साइड पर हैं, वैसे भी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं अभी। छोड़ ना यार, अगर सच में करुणा का फोन हुआ तो सुनाएगी फिर वापस आकर। हेलो माया, हाउ मे हेल्प यू? मानसी जेटली से बात कर सकती हूँ मैं? जी मैं बोल रही हूँ। हाय मानसी, पहचाना मुझे? कैसे पहचानोगी? हाँ अगर मैं चीखूंगी तो जरूर पहचान लोगी। अरे मैं वही हूँ जिस पर कल तुमने पार्लर में अपनी वो अनोखी हेयर रिमूविंग क्रीम लगाई थी, रंजीता सेठी। ओह हाय, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? कुछ नहीं, बस आज का अखबार उठाओ और उसका कलर सप्लीमेंट देखो। देखो देखो, गो अहेड एंड कॉल मी बैक ऑन 9821100614। ऑलराइट ओके। क्या हुआ, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? दिखाना जरा। अब मुझे समझ में आया करुणा क्यों इतने गंदे मूड में है सुबह से। इतनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली और अब ये सब। क्या जरूरत थी रंजीता को ये सब लिखने की? कितना टाइम लगेगा? आएंगे तो। साहब ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ उनका नाम पता एड्रेस ले लो और बोलो बाद में है। जी सर। तुम्हारी नई पोजीशन बहुत अच्छी है, उससे मुझे बहुत अच्छा फील किया। थैंक यू सो मच। उसी का दैट वे।
करुणा, कल रात को माँ ने एक फुट क्रीम बनाई मसाज के लिए, क्यूकम्बर और हनी के एक्सट्रैक्ट से बनाए थे, अगर तुम चाहो तो। देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे नुस्खों के बगैर भी मेरा पार्लर पहले भी चलता था और अब भी चलेगा, तो प्लीज मुझे मेरा ब्यूटी पार्लर अपने तरीके से चलाने दो। मेरे क्लाइंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है ना तो जाओ और अपना अलग से ब्यूटी पार्लर खोल दो, ओके? और वैसे भी मेरी बनी बनाई क्लाइंटल को इन्फ्लुएंस करने की या हड़प करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। करुणा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ करने। देखो, मेरी चापलूसी करने से बेहतर है अगर तुम अपना ध्यान अपने काम पर दो ना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, है ना मानसी? और वैसे भी मैंने यहाँ पर कोई चैरिटी तो खोल नहीं रखी है ना, तो प्लीज गेट बैक टू योर वर्क। पल्लवी, तुमने सिर को कहीं देखा है? नहीं। जाके देखो वो अपने कमरे में है या नहीं। जी मैम साहब। सिड! हाय 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 हाय, बेचारी किस्मत, क्या बेटा मिला है इसे, अपनी माँ की जरा से भी कदर नहीं, और जिस बेटे को अपनी माँ की कदर है वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ भी नहीं करती तुम्हारे लिए। देखिए मोम, सब्र का गुण नहीं है आपके लाडले में, इसलिए जो कुछ करना है जरा जल्दी कीजिए, वरना लाइफ निकल जाएगी मेरी। तो तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है मैंने? अंकुर, यही मौका है और यही वक्त है, जाकर बन जा उसका बेटा, और उस सिद्ध को उससे दूर कैसे रखना है ये तो मुझ पे छोड़ दे। कैसी माँ है, एडॉप्शन के लिए दे रही है अपने बेटे को? हाँ, एडॉप्शन के लिए नहीं, कमाने के लिए भेज रही हूँ। अब जा, जल्दी से जाकर बन जा उसका बेटा, वरना बेचारी पम्मी बख्शी अपने बेटे की कमी में कहीं तड़प कर खुदकुशी ना कर दे। कलयुग है भाई, कलयुग। ऑल द बेस्ट। चले मो। चलो। तुम लोग, आपको लगा सिद्ध बाबा है ना? मैडम, आपको सिद्ध बाबा से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। रितु प्लीज, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। और कुछ नहीं, कम से कम एक वक्त की चाय साथ पी लेते थे हम लोग। आंटी, थैंक्स बेटा, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है ऋतु। अंकुर कितना प्यार करता है तुमसे, कितनी लकी हो तुम। मैडम, ये सिद्ध बाबा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे अपना ही बेटा समझिए। ये सिद्ध भी कितना जिद्दी है, अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी कर लेता है वो। अब तुम ही बताओ ऋतु, क्या मैंने उसे कहा था क्रेडिट कार्ड्स और गाड़ी की चाबी मुझे वापस कर दे? इसमें गलती तो सिद्ध बाबा की है, उन्हें आपके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब अंकुर को मैं कितनी बार डांट देती हूँ, लेकिन मजाल है कि एक भी बार वो मुझसे कुछ कहे। कम ऑन मामा, इतना प्यार भी तो करती हैं आप मुझसे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा। अरे, उसके पास तो पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे जी रहा होगा वो। रितु, एक काम करना, जब भी सिद्ध घर आए तुम उसे 10-20 हज़ार रुपए दे देना, कहना तुमने दिए हैं, क्योंकि मुझसे तो रुपए लेगा नहीं वो। जी, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे मैडम, आज शाम को आपको एक पार्टी में जाना है। अब सिद्ध के बिना तो मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम ही चली जाना रितु। क्यों? अंकुर ले जाएगा आपको, आपका एस्कॉर्ट बनकर। क्यों अंकुर, जाओगे ना? हाँ बिल्कुल, अपनी मॉम की बात मैं कभी नहीं टालता। थैंक्स बेटा, That's really sweet of you. Param pam pam, param pam pam. Hey Sunny boy. और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अपना काम खुद कर रहा हूँ डैड। Oh, first time I see. There is first time for everything, Dad. और आप क्या कहा करते थे? देरा है दुरुस्त है। तो मेरी वो बात अब तक तुम्हें याद है? याद तो हमेशा थी डैड, लेकिन कभी एक्शन में नहीं लाया। अच्छा,
तुम्हारी बाइक गैराज से आ गई है, ओके? थैंक्स डैड। यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। अच्छा बताओ, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर टुडे? प्लान ऑफ एक्शन? जेब बिल्कुल खाली है डैड। अरे मुझे पहले कहते थे ना, प्लीज नॉट दिस टाइम। मुझे एक बार खुद तो कोशिश करने दीजिए। आई एम सीरियस। एज यू विश। अच्छा मुझे बताओ तुम करना क्या चाहते हो? काम करना चाहता हूँ डैड, बस। नो प्रॉब्लम बेटा। देखो मैं कर्नल रॉय को फोन कर देता हूँ। He's got a flourishing garment export business and I'm sure tumhare jaise smart aur honar ladke ko wo kahin bhi use kar sakte hain. So what say, aaj 7 baje club mein unko bula do main? Dad please, is baar sab kuch main khud karna chahta hu, sab kuch. No offense meant to you dad. Main chahta hu ki naukri Siddharth Bakshi ko mile, na ki Karan Bakshi ya Pami Bakshi ke bete ko. मानसी जी, कहाँ जा रही हो? घर। वेरी गुड मानसी, तुम्हें ये ब्यूटी पार्लर कोई सरकारी ऑफिस लगता है? हाँ, 9 to 5 जॉब वाला। ये आज के अपॉइंटमेंट्स की डायरी है। 6:30 बजे किसका अपॉइंटमेंट है? मिसेस मेहता का है ना, 6:30 बजे। तो फिर उन्हें अटेंड कौन करेगा? मैं। और अगर मैं अटेंड करूंगी तो तुम सब लोगों को क्यों मैंने एम्प्लॉय किया होगा? हाँ, डिस्कस्टिंग। अब उन्हें अटेंड करो, पार्लर बंद करो और फिर घर जाओ। और क्योंकि पार्लर की चाबी तुम्हारे साथ होगी, प्लीज कल सुबह जल्दी आना। मैडम आती देर से हैं और जाना जल्दी होता है उन्हें। हेलो हेलो, कौन कैसे रहा इस तरह? एक तो वक्त बेवक्त फोन खड़का देते हैं, फिर पूछती है कि कौन खास रहा है। अरे तुम्हारे ससुर कोई फोन अटेंडेंट छोड़ गए क्या यहाँ? ताई जी, नहीं तो कौन? कोई और नहीं है घर पर ताई जी? एक मैं ही हूँ इस घर में जिसको गुलछड़े उड़ाने की आदत नहीं है बहू बेटियों की कमाई पर। तुम लोगों को रोकने वाला कोई है ही नहीं ना। ताई जी, आप माँ को मेरा एक मैसेज दे देंगी? उनसे कह देंगी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। क्यों, मुझे और कोई काम है ही नहीं? हाँ ठीक है, मम्मी जी तेरी पूछ लेंगी तो मैं बता दूंगी। अब फोन रख भी दे वरना खास खास कर मैं मर जाऊंगी। चाहती तो तू वही है ना, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मदन आओ बैठो। हाँ बोलो। आप एक मिनट। हेलो चाचू, अभी तक आप वही हैं? आपको पता है टाइम क्या है? अब अभी तक क्यों नहीं निकले? यू आर लेट चाचू। दिस इज नॉट डन एट ऑल। क्या फायदा अब आपको टीचिंग का? टोल डाउन द ड्रेन चाचू। अरे बाबा, लेकिन जाना कहाँ था? ओह माय गॉड चाचू, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, स्पेशली इम्पोर्टेंट चीजें। आपको किसने डीसीपी बनाया? आप तो बिल्कुल बुद्धू है और आपको कुछ याद नहीं रहता। भुलक्कड़ है भुलक्कड़। आप क्यों नहीं याद रख सकते कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज है? हाँ हाँ मुझे याद है याद है। अरे ईशा, तुम अब बस भी करोगी? बस तो मैं तभी करूंगी जब आप चाची घर लाएंगे। बिफोर दैट नथिंग डूइंग। ओके बाबा, मैं निकल रहा हूँ अभी। ओके हाँ। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, आप खाली आ जाएंगे? हाँ क्यों? गिफ्ट लेकर जाइए ना। ओह हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। क्या लेके जाऊं? फ्लावर्स ले जाता हूँ। अब तो खुश? खुश तो मैं तब होंगी जब आप घर आके ये बताएंगे कि आपने फ्लावर्स मानसी आंटी के हाथ में दिया है। लास्ट टाइम याद है ना आपने क्या किया था? प्लीज इस बार वो मत कीजिएगा। ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अब आप फोन रखेंगी, मुझे बहुत काम है यहाँ पे। ओके अरे चाचू प्लीज प्लीज फोन मत रखिए, मुझे भी आपसे काम है। प्लीज फोन मत रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सुनिए, आप उनसे क्या कहेंगे? अच्छा दादी माँ, अब जब तुमने इतना सब कुछ मुझे बता दिया है तो एक ओपनिंग लाइन भी बता दो। पहले अपनी कंसल्टेंसी फी तो आपसे डिस्कस कर लूँ चाचू।
ओके ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मैं काव्या और उसकी मम्मी के साथ नई हैरी पॉटर की फिल्म देखने जा रही हूँ। ओके ये तुम मुझे बता रही हो कि मुझसे परमिशन ले रही हो? नहीं दो, मैं अपनी फी मांग रही हूँ, मुझे पॉपकॉर्न और आइसक्रीम के पैसे चाहिए। ठीक है ठीक है, अलमारी से ले लेना। लाइन बोलो, व्हाट्स द ओपनिंग लाइन? आज सुबह न्यूज़पेपर में मैंने आपके ऊपर आर्टिकल देखा तो सोचा कि पर्सनली आकर मैं कांग्रेचुलेट कर दूं। अरे बाबा यही तो बोलने वाला था मैं। चार्जू, दिस नॉट फेयर। मैंने पहले आपको ये आईडिया दिया, अब तो मैं अपनी कंसल्टेंसी फी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाय द वे, ऑल द बेस्ट। ओके 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 बाय। सर सर वो केस के बारे में डिस्कस करना था सर। मदन मदन, तुम्हारा ये केस कल तक वेट नहीं कर सकता। सर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, आखिर बात क्या है? बात कुछ नहीं है। God, I lost 5 minutes. अच्छा ठीक है बोलो क्या है। सर ये अमर जेटली की फाइल है। ये केस बंद हो चुका है, जस्ट क्लोज द फाइल। सर यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस केस में काफी लूज एंड्स हैं जिसे बंद करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। सर कौन से लूज एंड्स हैं? सर जैसे कि यश की मौत, सिद्धार्थ का अमर से टिकट एक्सचेंज करना, सर इससे क्रिमिनल ऑफेंस। सर हमें कंसर्न डिपार्टमेंट को ये बात फॉरवर्ड करनी चाहिए सर। ठीक है। और सर तुम ये फाइल टेबल पे रखो, मैं बाद में देखता हूँ। ओके आई विल सी यू लेटर। ओके सर। हाँ बोलो। साहब आपको कमिश्नर साहब ने याद किया। ठीक है मैं मिलता हूँ उनसे। जी आप यहाँ, आपकी बाइक फिर से खराब हो गई क्या? नहीं आज मैं महज इत्तेफाक से नहीं बल्कि जानबूझकर, आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। मुझसे? जी भैया ये रखिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे घर जाना है अभी। ओह क्या आ रहा हूँ, आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं? नहीं आरो तो आज माँ के साथ बाहर गया है, लेकिन तो आप फिर चले ना मेरे साथ, एक कप कॉफी पियेंगी? प्लीज मानसी जी मना मत कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। सिद्धार्थ जी कहीं पास में ही चलते हैं ना पैदल, वो मुझे बाइक पर बैठने से बहुत डर लगता है। जैसा आप कहें। कहाँ चलना पसंद करेंगे आप? कहीं भी जहाँ एक कप गरम गरम कॉफी मिल सके और बहुत सारी शांति। फिर तो मैं बहुत एक अच्छी जगह जानता हूँ, नजदीक में ही है, और वहाँ पे आपको एक पहचान का आदमी दिखेगा आपके। कौन? आप खुद देख लीजिए वहाँ पे। तो आपका नया जॉब कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। आपको करना क्या पड़ता है वहाँ पे? कुछ नहीं, बस अपॉइंटमेंट्स ले लेती हूँ वहाँ के, और वहाँ का नया नया काम सीख रही हूँ मैं। क्या नया काम सीख रही हैं आप? दूसरों को सुंदर बनाना? नहीं बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि हेयर कट। अरे डीसीपी साहब आप?